अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस मी ज़ैन एंड यू आर वाचिंग ज़ैन टीवी। व्यूअर्स, आज के वीडियो में आपके लिए एक 10 मरले का एक कॉर्नर, एक घर, एक कॉर्नर कोठी, डोक मुकरब का एरिया पुलिस लाइन के साथ, एक अच्छा एरिया जेलम का कचहरी के बिल्कुल करीब, गैस मौजूद, एक बेहतरीन बना हुआ घर कोठी नुमा, सारी इसकी कंस्ट्रक्शन पिलर्स वगैरह मौजूद, वो आप शॉर्ट से टूर कर लीजिएगा। गैस इसमें मौजूद है, 4 कमरे, 3 वाशरूम, बड़ा किचन, सीलिंग वगैरह नीचे टाइल मार्बल, यानी सब कुछ ज़बरदस्त, वो फ्रंट पर भी टाइल वर्क हुआ हुआ है। तो रोड जो करीमपुरे वाली रोड है, पुलिस लाइन रोड है, उससे हार्डली आप कह ले 200 मीटर्स डिस्टेंस होगा, और मौके पर 16 फिट की गली है, बिजली और इसके अलावा गैस मौजूद है, पानी जो है वो थ्रू नाली सिस्टम है, करीब ही मस्जिद भी मौजूद है और साथ ही साथ कमर्शियल भी, साथ ही रोड भी, और तमाम तर फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। इसकी प्राइस वीडियो के लास्ट में मैंशन होगी, इसको कम्प्लीट देख लीजिएगा, शॉर्ट से टूर आप कर लीजिएगा। डोक मुकरब का एरिया है, जहाँ पर इस वक्त एक्सपेक्टेड गैस वाले एरिया में 6.5-7 लाख रुपया रेट होगा, तो कॉर्नर ऑप्शन है इसका, आप शॉर्ट सा टूर कर लीजिएगा। और मजीद ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए ज़ैन टीवी को सब्सक्राइब करते चलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पर करते हैं, ये आपको शॉर्ट सा टूर करवाते हैं। जी देवर, जिस मकान की अभी आपको डिटेल दी वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट से टाइम में मैं आपको टूर करवा देता हूँ। ये है जी कॉर्नर हाउस, बेहतरीन, इसके फ्रंट पर टाइल वर्क हुआ हुआ है, आप ये देख सकते हैं, बोथ साइड इसका फ्रंट है, कॉर्नर ऑप्शन है, एक फ्रंट इस साइड पर है, एक फ्रंट इस साइड पर है। गैस का मीटर ये आप देख सकते हैं, गैस का मीटर इधर इंस्टॉल्ड है। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइनिंग है वो ज़बरदस्त है, लेटेस्ट डिज़ाइन के मुताबिक बेहतरीन ये कोठी बनी हुई, साथ ही मस्जिद भी मौजूद है, मुस्लिम कम्युनिटी, अच्छा एरिया, और इसके अलावा बेहतरीन ये बना हुआ जी मुकम्मल ये घर। इस साइड के जो मेन इसका फ्रंट है उसकी बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जी फ्रंट पर टाइल वर्क हुआ हुआ है, ये देखें आप। अभी आपको वाइड एंगल व्यू में मज़ीद इस कोठी का फ्रंट क्लियर हो रहा होगा जी, पिलर्स वगैरह इस पर मौजूद हैं जी। व्यूअर्स, चलते हैं जी इसके अंदर, एंटर होते हैं। तो एंटर हो तो व्यूअर्स आपको ये जी पार्किंग एरिया मिल जाता है, जहां पर आपकी एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी, उसके साथ आपको बाइक्स वगैरह पार्किंग की भी जगह वो मिल जाती है। यहाँ पर जी सामने आप कह लें सिटिंग एरिया कह लें, ये ओपन टू स्काई है वैसे, और सामने गैलरी टाइप वेंटिलेशन के लिए, और यहीं से एंट्रेंस मेन इसकी हॉल की भी और साथ में ड्राइंग रूम की भी दी गई है, और वो सामने गैलरी भी इस तरफ मौजूद है। इस तरफ की बात करें तो ये सामने एक वॉशरूम यहाँ पर भी वो मौजूद है, वैसे ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड भी है, यहाँ से भी अगर आप सिटिंग वगैरह इधर भी करना चाहते हैं तो इस वॉशरूम को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ्रंट पर यह मुकम्मल टाइल वर्क वो हुआ हुआ है, साफ़ सुथरा ये जो मुकम्मल, जस्ट इसमें घर में ये सफाई सुथराई होने वाली है, अदरवाइज़ मार्बल की कंडीशन, टाइल्स वगैरह वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह ही है। अच्छा व्यूअर्स, ये इसकी एंट्रेंस है, डबल डोर डिज़ाइन, ग्रिल जाली और प्लस वुडन डोर इस्तेमाल, अंदर से फर्दर जो है वो 2 स्टेप्स इस घर के प्लंथ वो ऊँचा है। एंटर हो तो जी ये इसका सिटिंग एरिया, हॉल एरिया आ जाता है, राइट साइड पर अपर पोर्शन जाने के लिए स्टेयर, स्टील इस पर जो रेलिंग है वो आप देख सकते हैं, वुडन रेलिंग का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की बात करें तो ऊपर खूबसूरत ब्लू स्ट्रोप लाइट्स के साथ सीलिंग डिज़ाइन, और जो इसका पेंट वर्क है वो बिल्कुल फ्रेश है, मतलब बिल्कुल ओके है, ज़रा भी ओके पेंट वगैरह ख़राब हो वो नहीं है। और बाकी घर में अक्सर जगह पर वो पैलिंग का इस्तेमाल है, कुछ दीवारों पर वो पेंट भी हुआ हुआ है। राइट साइड पर किचन, सामने ये 2 रूम्स हैं, एक ये रूम है और एक ये ड्राइंग रूम है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, गैस इसमें मौजूद है, गैस का मीटर इधर लगा हुआ है। नीचे देखें जी सनी ग्रे मार्बल, दीवारों पर पैलिंग, ऊपर आप देखें ब्लू एंड पिंक पर्पल कंट्रास्ट में खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, ये देखें आप जी इसमें ये पैलिंग डिज़ाइन है जी, मेटल विंडोज़ का इस्तेमाल है, ये बाहर से जो कि एक्सेस दी गई थी। ये जगह बड़ी अच्छी है कि आप ये सीटिंग वगैरह के तौर पर भी बेहतरीन इधर इसको यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने क्यारी वगैरह भी इधर वो बना रखी है। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अच्छा जी, ये लेफ़्ट साइड पर जी इसके साथ अटैच्ड एक वॉशरूम है, जिसमें आपको वैनिटी मिल जाती है, कमोड सीट मिल जाती है, इसके अलावा जो आगे है मैं आपको बताता चलूँ तो ये सेपरेट किया गया है, इस पर एक दरवाज़ा डोर वो लगा कर फैसल के जो है वो शावर सेट इस्तेमाल किया गया है, शावर वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर इलादा किया गया है। नीचे जो आपकी टाइल वर्क है वो भी आप ये देख सकते हैं, इसके अलावा ये वैनिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मिरर है, जिसमें यहाँ पर जो है वो लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं।
अच्छा, ये जो वॉशरूम है ये इस रूम के साथ भी अटैच्ड है, तो स्टार्ट यहीं से ही ले लेते हैं, लेफ्ट साइड से, जो इस घर का सेकंड रूम, अगर ड्राइंग रूम को शामिल करें तो दूसरा कमरा, मार्बल का इस्तेमाल, एक फेयर साइज़ का रूम, पैलिंग का इस्तेमाल, इस तरफ जो है वो फिक्स वॉल ड्रॉप आपको मिल जाते हैं। ये वही वॉशरूम इसके साथ भी अटैच्ड है। इसके साथ की बात करें तो ये है जी इसका तीसरा रूम, नीचे मार्बल, दीवारों पे पैलिंग, और इसके साथ आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है। मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो सिंपल सीट, वॉश बेसन और शावर वगैरह भी वो इधर मौजूद है। इस तरफ वॉल ड्रॉप भी वो आपको मिल जाती है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी व्यूअर्स। रूम नंबर जो इस घर का 4 है उसकी बात करें तो वो ये है जी रूम नंबर 4, जो कि बाकियों की निस्बत बड़े साइज़ का रूम है। नीचे आप टाइल वर्क, दीवारों पर थ्रू आउट ऊपर तक पैलिंग का इस्तेमाल, और ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, जो इससे पिछले 2 रूम्स आपको दिखाए उनके ऊपर सिंपल जो है वो छत है यहाँ पर, और ड्राइंग रूम में 2 रूम्स में ऊपर सीलिंग आपको मिल जाती है। ये स्ट्रोब लाइट्स भी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ यहाँ पर एक गैलरी टाइप एरिया दे रखा है जो कि ऊपर से ओपन है, और ये वही वॉशरूम है जो कि बाहर गैराज से मैंने आपको दिखाया, पाउडर रूम कह लें इसको, वॉशरूम कह लें, वॉश बेसन, और ये बाहर लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको कमोड सीट की फैसिलिटी मिल जाती है जी व्यूअर। ये था इसका रूम्स की डिटेल्स, किचन आपको दिखाते चलें। तो जो किचन है वो आप ये देख सकते हैं, एल्युमिनियम का मुकम्मल इसमें काम है, इलेक्ट्रॉनिक हुड इस जगह पर, इसकी लोकेशन ये यहाँ पर लगा हुआ है, और ये साथ में आपको इस साइड पर विंडो मिल जाती है, और ये जी इसका किचन काफ़ी अच्छे साइज़ का, फिक्स बर्नर की जगह, जो सामान है वो इन्होंने यहाँ से उठा लेना है, सामान के बगैर ही आपको ये घर मिलेगा जी। और ये जी इस मुकम्मल इस घर का टूर, जिसमें आपको 4 कुल कमरे, 3 बाथरूम, 1 किचन, बड़ी अच्छी ये सिटिंग स्पेस, एक खुला डुला, एक हॉल, सीलिंग, ये आपने इसका मुकम्मल टूर कर लिया विदाउट फर्नीचर जी आपको मिल जाएगा। ऊपर की बात करें, मैं आपको शॉर्ट सा टेरेस भी दिखा देता हूँ, फिर प्राइस इसकी शेयर कर देते हैं। वुडन रेलिंग जो कि सॉलिड है, स्टेयर्स वाइड हैं, सामान वगैरह ले जाने में ईजी होंगे। ऊपर एक बड़ी साइज़ की मोमटी भी आपको मिल जाती है, ये आप देखें, काफ़ी सारा आपका सामान इधर आ जाएगा, और मोमटी की भी जो हाइट है वो फुल हाइट पर इसका लेंटर है। ये है जी इसका टेरेस एरिया। कॉर्नर ऑप्शन, इस साइड पर स्ट्रीट, सामने भी फ्रंट पर भी स्ट्रीट, यहाँ से फर्दर ऊपर जाने के लिए भी आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है। फेवर जो राउंड अबाउट का एरिया है वो मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये फुली डेवलप और महंगे और अच्छे एरिया में फॉल करता है, रोड के करीब और डोक मुकरब जेलम के अच्छे एरिया में फॉल करता है, साफ़ सुथरा एरिया है, और अच्छे घर इधर बने हुए आपको वो मिल जाते हैं, अच्छे कम्यूनिटी यहाँ पर आपको वो मिल जाती है जी। ये था जी इसका मुकम्मल टूर, आ जाते हैं इसकी प्राइस पर, प्राइस शेयर करके वीडियो को एंड करते हैं। जितने मैं आपको इस मुकम्मल घर का टूर करा दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। 10 मरले टोटल जगह है, कॉर्नर ऑप्शन है, 4 कमरे, 3 वॉशरूम्स पर मुश्तमिल ये मुकम्मल घर, अच्छा किचन, तमाम तरह आपने वो विजिट कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। सर स्टार्ट में भी आपको बताया 6.5-7 लाख रुपये इस टाइम मौजूदा यहाँ पर रेट होगा, क्योंकि गैस वाली एरिया में इतना इस टाइम जो है वो रेट है, बाकी इस चीज़ को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑनर्स डिमांड कर रहे हैं, इस 10 मरला सिंगल ऑनर हैं इस कोठी की, वो है 1.5 करोड़ रुपीज़ जी, 1.5 करोड़ रुपए इनकी डिमांड है। दियो मोबाइल नंबर पर आप रब्ता करें, ऑनर के साथ फिजिकली बैठ के इस प्राइस रेंज में जो भी निगोसिएट हो सका वो फिजिकली बैठकर इंशाल्लाह आपके साथ एक अच्छी डील करवा दी जाएगी। इनके साथ अगर अपनी ऑफर भी देना चाहें तो आप ऑफर भी मुझे इसी नंबर के थ्रू दे सकते हैं। इस नंबर पर अगर कॉल ना लगे या नंबर बिजी हो या रिस्पॉन्स ना आए तो प्लीज़ वॉइस मैसेज के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, कीप वॉचिंग जैन टीवी। मजीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा।